नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजली सिंह। सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है। एक मजबूत सेना ही किसी देश की रक्षा और अखंडता का आधार है। सुरक्षित सीमाओं के साथ साथ आंतरिक और आर्थिक मजबूती किसी भी देश को प्रगति की ओर लेकर के जाता है। और इन्हीं बातों को, सिद्धांतों को आधार में रखकर साल 2023 तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच तीनों सेनाओं के लिए काफ़ी उपलब्धियों से भरा हुआ रहा। इसी पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सक्षम भारत में। साल 2023 भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी अहम रहा। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कई बड़े कदम उठाए। 2023 में भारत ने शक्तिशाली, सुरक्षित, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ी प्रगति की। इस साल कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें रिकॉर्ड डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए प्लांट की आधारशिला भी शामिल है। रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन, रिकॉर्ड रक्षा निर्यात और स्वदेशीकरण की लिस्ट में बढ़ोतरी भारत को वैश्विक विनिर्माण का मजबूत स्तंभ बनाने की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने से लेकर लड़ाकू इकाइयों और नौसेना के युद्धपोतों की कमान संभालने तक नारी शक्ति से सैन्य कौशल में एक नई गतिशीलता आई है। प्रधानमंत्री ने तेजस में भरी उड़ान। इस तस्वीर का साक्षी पूरा देश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ट्विन सीटर फाइटर जेट में उड़ान भरी, जिससे न सिर्फ स्वदेशीकरण की प्राथमिकता स्पष्ट दिखी, बल्कि दुनिया ने तेजस की ताकत का भी मुजाहिरा देखा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL न सिर्फ भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए तेजस का निर्माण कर रही है, बल्कि इसे एक्सपोर्ट करने की भी तैयारी चल रही है। डिफेंस प्रोडक्शन का नया रिकॉर्ड। वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया और 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। MSME और स्टार्टअप्स को डिफेंस सप्लाई चेन में भी शामिल किया गया। बीते 7-8 वर्षों में रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनियों को दिए जाने वाले लाइसेंस में 200% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह डिफेंस एक्सपोर्ट ने भी नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। ये आंकड़ा 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये पिछले वित्त वर्ष से 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। 85 देशों को हथियार का निर्यात। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत अब 85 से अधिक मुल्कों को हथियार निर्यात कर रहा है। भारतीय उद्योग ने दुनिया को अपनी डिजाइन और विकास की क्षमता दिखाई है। वर्तमान में 100 कंपनियां रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही हैं। आत्मनिर्भरता की ओर भारत। इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 बनाने के लिए वडोदरा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी गई है। पहली बार मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत की प्राइवेट कंपनी बना रही है। इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत में एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। स्पेन की कंपनी CASA एयरबस से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिल गया है। कुल 56 एयरक्राफ्ट वायुसेना को मिलने हैं, जिनमें से 16 एयरक्राफ्ट स्पेन में ही असेंबल किए जाएंगे। बाकी एयरक्राफ्ट टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर भारत में बनाया जाएगा। अमेरिकी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी GE एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच फाइटर जेट के इंजन के प्रोडक्शन के लिए MOU साइन हुआ है। फाइटर जेट के इंजन दोनों कंपनियां मिलकर भारत में ही बनाएंगी। पहली बार जेट इंजन भारत में बनाए जाएंगे। GEF 414 इंजन इंडियन एयरफोर्स के लिए बन रहे स्वदेशी फाइटर जेट में लगाए जाएंगे। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को भी सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आज इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हम आपका परिचय करवाना चाहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर सक्षम भारत में। और हम शुरुआत करना चाहेंगे चतुर्वेदी जी आपके साथ में। अगर मैं बात करूं तो एक रिव्यू रिपोर्ट जो हर साल रक्षा विभाग की तरफ से, रक्षा क्षेत्र की तरफ से जाता है, वो हम सबके सामने है और उसी के आधार पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कहा गया है कि जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि उस अर्थव्यवस्था, उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में रक्षा जगत का क्या योगदान आप देख पा रहे हैं? प्रांजलि, रक्षा जगत का जो योगदान है, रक्षा की जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं उनका योगदान है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में, इसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुरक्षा जो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। इसको अगर मॉनेटरी टर्म में, इकोनॉमिक टर्म में अगर आप उसका मूल्यांकन करना चाहेंगी तो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन यह भी बहुत ज़रूरी है, जब देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तभी राष्ट्र प्रगति करता है, राष्ट्र में विकास का कार्य होता है, हर एक जन जन जो राष्ट्र का है वो भी सुरक्षित महसूस करता है जी। और इस तरह से अगर आप देखें तो जब रोड्स बनती हैं हमारे बॉर्डर एरियाज़ में, हमारे बॉर्डर एरियाज डेवलप होते हैं, वहाँ पे स्कूल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं तो प्रगति होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ब्रिजेस बनते हैं तो वहाँ पे एयरफील्ड्स बनते हैं, तब भी कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर होते हैं। इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं, डिफेंस की इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स बनते हैं भारत में। अगर हम अपनी एम्यूनिशन खुद बना रहे हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस तरह से एक इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में डिफेंस का बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 2023 की अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियां तो देखी आई हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच हमने जिन उपलब्धियों को पाया है, मैं बात कर रही हूं तीनों सेनाओं की, आपके नज़रिए से सर? देखिएगा कि 2023 में अगर हम देखें कि भारत जो है पूरे विश्व भर का 5वां, फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी जिसे कहते हैं भारत को, उस इकॉनमी को कायम रखने के लिए और उससे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षा का, अगर देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो आप प्रगति कर सकते हैं। अगर आप प्रगति करेंगे तो विश्व में आपका नाम होगा, विश्व में आपका नाम होगा, आपको डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ मिलेगी। तो इट इज़ ऑल कनेक्टेड। तो इस मकसद से जब आप देखते हैं पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में जिसका असर होगा, हम देखते हैं कि भारत पर जो असर नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत सक्षम है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। और धीरे धीरे करके जब हम देखते हैं कि हर एक फील्ड में, और जिसे हम बोलते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, जब हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात करते हैं और हम अपनी आर्थिक स्थिति देखते हैं, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, लीडरशिप, ये सब एक उभर करके जब आता है, और उससे बढ़ करके जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो अपना टेक्निकल मैन पावर है, जिस प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे DPACUs हैं, हमारे दुनिया, मतलब जिस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने की काबिलियत रखते हैं, यही कारण है कि हम चांद पर पहुँच गए। अगर जो देश चांद पर पहुंच सकता है, आप समझ सकते हैं, और उसी को मद्देनज़र रखते हैं मिसाइल्स के ऊपर जिस प्रकार से हम लोग आगे जा रहे हैं, तो मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको लेते हुए जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में अपना दबदबा, भारत सक्षम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा। इस सब पूरे संदर्भ में मैं कहूँगा कि जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी बातों से ही मैं एक सवाल निकालूँ कि राजनाथ सिंह जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बातों में एक बात जो है काफ़ी प्रमुखता के साथ कहा है कि अब वो वक्त नहीं कि जब हम दबाव में काम किया करते थे। सर इसका क्या मतलब है इस बात का, और इसका फ़र्क कितना पड़ा है? चतुर्वेदी सर आप अगर हमें समझाएं इस बात को। जो हमारे रक्षा मंत्री जी का बयान है बहुत ही करेक्ट है, और इस संदर्भ में कि आज भारत इंडिपेंडेंटली राष्ट्र हित में निर्णय लेता है, किसी के दूसरे बचाव में नहीं, किसी के दूसरे के प्रेशर में दबाव में कोई निर्णय नहीं लेता। जैसे कि अगर आप देखें कि S-400 हमने जब रशिया से खरीदने की निश्चय कर लिया था, कितना दबाव था हमारे ऊपर फ्रॉम अमेरिका की तरफ से, लेकिन भारत दृढ़ रहा, भारत ने वही खरीदा जो भारत के राष्ट्र हित में था। तो ये जो चीज़ें हैं एक बहुत सही दिशा में हमको ले जा रही हैं। आज भारत की सशस्त्र सेनाएं बहुत काबिल हैं, सक्षम हैं, और वो राष्ट्र की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करने में पूरी तरह से सुदृढ़ हैं, संपन्न हैं, सुसज्जित हैं, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड हैं। जो रिव्यू रिपोर्ट है उसके कुछ खास बिंदुओं पर हम नज़र डालना चाहेंगे। अगर रक्षा उत्पादन की बात अभी चतुर्वेदी सर ने की है, 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है देश का रक्षा उत्पादन। अगर मैं बात करूं आंकड़ों की तो वित्त वर्ष 22-23 में 16,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के लगभग 3,000 करोड़ रुपए अधिक है, यानी कि 16 और 17 के बाद इसमें 10 गुना ज़्यादा इजाफा आया है। कितनी बड़ी उपलब्धि रक्षा उत्पादन में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। बिकॉज जो इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है उसमें 1 लाख करोड़ का कंप्लीट प्रोडक्शन, 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, ये जो एक्सपोर्ट है इट इज़ $5 बिलियन जो हम बात कर रहे थे कि हमने एक्सपोर्ट करना चाहिए। इससे जो हम लोग वी वर वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स, वो वहाँ से हम हट गए एंड अब वी आर अमंग द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में भी आ गए। मतलब धीरे धीरे करके जब अपनी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री जो काबिलियत पा रही है, जिस प्रकार से डिफेंस कॉरिडोर्स के ऊपर जोर दिया जा रहा है, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे लखनऊ यूपी में हो, तो ये जो डिफेंस कॉरिडोर्स हैं इसके कारण हम लोग प्राइवेट इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स इनको दे रहे हैं। 75% ऑफ द एंटायर इन्वेस्टमेंट जो भी हमारा कैपिटल उसको हम डिफेंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ही अपने इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्रीज को देते हैं। इससे क्या होता है कि अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ता है। इतना ही नहीं, हम अपने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को भी देने की काबिलियत रखते हैं, यानी कि उनका हमारे ऊपर विश्वास, और हमारा बनाना जो प्रोडक्ट्स हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब एकदम आधुनिक चीज़ बनाना और फर्स्ट क्लास बनाना। और इसी कड़ी में एक और डेटा पर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। 85 देशों को अब भारत जो है वो हथियारों की बिक्री कर रहा है। अगर मैं लिस्ट की बात करूँ सर, तो निश्चित तौर से आर्टिलरी गन है, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश मिसाइल हैं, रडार सिस्टम हैं, सिमुलेटर्स हैं, तो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, पिनाका रॉकेट है, मतलब कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो हमारे सामने है। तो क्या ये 85 देशों में जो हथियारों की बिक्री बढ़ी है, ये भी बताता है कि हम कितने विश्वास के साथ में पूरी दुनिया में अपनी जो एक पहचान है वो बना रहे हैं या फिर बना चुके हैं? एक तो वो विश्वास, दूसरा उनका हमारे ऊपर विश्वास। ये हमने खुद देखा है, भारत ने खुद देखा है कि 71 की लड़ाई में क्या हुआ, कौन नहीं देता है। हमने खुद देखा है 99 का जब कारगिल का युद्ध हुआ, किस प्रकार से अच्छे दोस्त हमारे जो है माने जाते हैं, उन्होंने भी देने से काफ़ी चीज़ें इनकार की, तो हम लोगों को थोड़ा सा हम लोग बैकफुट पे रहे। लेकिन आज जब हम खुद एक आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं, हमें दूसरे को निर्भर करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बड़ी बात, जिन देशों के साथ हम लोग एक्सपोर्ट करें उन्हें भी भारत के ऊपर विश्वास है। हम जब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की बात करते हैं, तो उस उपलक्ष्य में भी हम देखते हैं कि उन जो देश है, जो ग्लोबल साउथ में काफ़ी देश है, काफ़ी कुछ तो काफ़ी एडवांस देश है, उनका भी भारत के ऊपर एक तरीके से मैं कहूँगा विश्वास है कि भारत उस वस्तु को बनाता है टेक्नोलॉजी वाइज, स्टेट ऑफ द आर्ट एंड रीजनेबल। मतलब कॉस्ट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, और उस कॉस्ट फैक्टर को लेकर के और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। कौन सा ऐसा देश है जो लगातार, हम ये नहीं है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं ये खड़ी रहती है, वे कॉन्स्टेंटली, मतलब वी कैन सेफली से चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी रोल में हो या एलओसी के ऊपर हो, एलएसी के ऊपर हो, या इंडियन ओशन में हो या रेड सी में हो। जिस तरह तरीके से भी आपने देखा कि रेड सी में जिस तरीके से हुदी लोग जाने नहीं दे रहे हैं शिप्स को, जहाँ पे इंटरनेशनल मेरीन में इंटरफेरेंस हो रहा है, वहाँ हमारे वॉरशिप्स लग रहे हैं इंडियन ओशन में। तो ये सब दर्शाता है कि एक भारत एक ऐसा देश है, जब तक हम लोग आत्मनिर्भर नहीं होंगे, इक्विपमेंट हम बनाते भी हैं, उसको इस्तेमाल भी करते हैं, और जिससे कि जो हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो भी, उनका भी विश्वास हमारे पर बढ़ता है कि वाकई ये टेस्टेड है, रिलायबल है। हम उस तस्वीर की अगर बात ना करें तो 2023 अधूरा है, जब पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने तेजस में उड़ान भरी, और उस तस्वीर को हमें ज़रूर याद करना चाहिए बेंगलुरु में, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विन सीटर तेजस में उड़ान भरी। और ये मुझे लगता है कि एचएएल के लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता थी, और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने भी बताया कि उन्हें कितना गर्व महसूस हो रहा था। फिर से बात हो रही है मेक इन इंडिया की, स्वदेशीकरण की। आप क्या, आपका रिप्लाई सर इस पर? बहुत बड़ा संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को दिया है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में। और LCA एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि अगर आज के दिन में देखा जाए तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, और अगर हम उसको इंडिजिनसली बना के और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और फ्लाई करते हैं, तो ये एक ऐसा संदेश जाता है कि LCA बहुत सुरक्षित और स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसको कि, और ऑलरेडी LCA के लिए डिमांड आने लगी है, लोग बहुत सून हम इसको, LCA के कुछ ऑर्डर्स भी ऑलरेडी आ चुके हैं, और इसको जब हम इंपोर्ट करेंगे तो एक भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो रिसर्च एंड डिज़ाइन वाले लोग हैं, उनमें एक अलग उनका मनोबल बढ़ेगा, और भारत ये दिन दूर नहीं है कि वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट में बहुत जल्दी ही जाएगा। UAVs भी हमारे देश में अब बनने लगे हैं। इस तरह से और भी चीज़ें जो भारत में मैन्युफैक्चर होंगी, जब हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल दिखाएंगे। और ये जो प्रधानमंत्री का जो संदेश था उसमें अप्लाई करने से यही था कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये दर्शाता है कि हमारा जो इक्विपमेंट है वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। अगर प्रधानमंत्री जा सकते हैं, उसमें उड़ान भर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई फिक्र नहीं है, और यही इससे मनोबल ऊँचा होता है, पूरा फोर्सेस का मनोबल ऊंचा होता है। विश्व में हम जब एयर शोज करते हैं बेंगलुरु में, और वहाँ पे जब 50 देश भाग लेते हैं, जब हम लोग जिस तरीके से अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हैं तेजस को, तो ज़रूर एक मैसेजिंग जाता है कि वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट इक्विपमेंट है, इसमें कोई फिक्र नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री इस पर उड़ान भर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। तो ये जो मैसेजिंग है बहुत अच्छा जाता है। यही नहीं, आप देखते हैं राष्ट्रपति भी जाती हैं, उन्होंने भी फ्लाई किया सुखोई। तो इससे इसका क्या दर्शाता है कि हम लोग, जो हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं, तीनों हर हमेशा इस तरह की उड़ान भरते हैं, इसी मकसद से दिखाने के लिए कि वाकई जो हमारा इक्विपमेंट है स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसके ऊपर विश्वास हमारा भी है और पूरा विश्व का भी है। 2023 में कई महत्वपूर्ण जो है वो अप्रूवल भी मिले हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। DSC ने कई बड़े बड़े अप्रूवल दिए हैं, जिसके बाद आने वाले समय में मुझे लगता है कि और बहुत सारे और बहुत बड़े चेंजेस जो हैं वो तीनों सेनाओं में देखने के लिए मिलेंगे। आपकी सर प्रतिक्रिया इस पर? बहुत अच्छी पहल है। और आज, जब हम पहले किसी ज़माने में, आज से कुछ समय पहले बेसिकली असेंबल करते थे, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, हमारे PSUs थे, वो भारत केवल असेंबलिंग का काम करता था। आज हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एटेक जो एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन है, उसको हमने डिज़ाइनिंग किया है, उसके LNT और हमारे उन्होंने खुद बनाई है। इसी तरह से K9 थंडर हमारे भारत में, गुजरात में उसका पूरी असेंबलिंग हुई है, और रेजिमेंट सब बनने लगी कुछ। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वडोदरा में जिसका फैक्ट्री बनाई गई है, वो भी शुरू में सेमी नॉकडाउन कंडीशन में, हाँ, C-295, और बाद में ये भारत में बनेगा। ये सब चीज़ें एक बहुत एक ऐसा इंडिकेट करती हैं कि भारत आज सक्षम है, भारत सही दिशा में जा रहा है, भारत में कैपेबिलिटी है एक लंबी लड़ाई लड़ने की भी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रांजलि जी कि भारतीय सेनाएं जब सक्षम होंगी, संपन्न होंगी, सुदृढ़ होंगी, मॉडर्नाइज होंगी, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड होंगी, तो वो शांति की गारंटी होगी, ना कि लड़ाई की। जब भारतीय सेनाएं सक्षम हैं तो सीमाएं सुरक्षित हैं, भारत में शांति रहेगी और भारत का जन जन शांति महसूस करेगा और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा। कुलकर्णी सर, अभी बात कर रहे थे सर परिवहन विमान की, जिसकी C-295 की बात हो रही थी, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। देखिए अभी एक हमें मिल चुका है, कुल 56 एयरक्राफ्ट जो हैं वो वायुसेना को मिलने हैं, जिसमें से कि 16 एयरक्राफ्ट स्पेन में ही असेंबल किए जाएंगे, लेकिन जो बाकी एयरक्राफ्ट हैं वो टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर के भारत में हम खुद बनाएंगे। मुझे बताइए कि ये तो खैर हम एक परिवहन विमान के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिस पर की बातचीत चल रही है और जिसकी की असेंबलिंग जो है वो आने वाले दिनों में भारत में ही होने जा रही है। बिल्कुल, आप देखिएगा G-414 इंजन जब आप अपने तेजस के लिए आ रहे हैं, इससे क्या दर्शाता है कि वाकई हम लोग काबिलियत है, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उस चीज़ को बनाने की हम लोग काबिलियत रखते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हुआ, हेलीकॉप्टर्स हुए, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट हुए, सबमरीन्स हुए, सब कुछ। जब जो भी है मैजिकन डॉक से अभी जो INS इंफाल हुआ, जिसका लेडी क्रू है, इमेजिन विमेन एम्पावरमेंट आप देखिएगा रिसेंटली हुआ जो, बिल्कुल लेडी क्रू है, तो वो देखिए जो विशाखापट्टनम हुआ, चेन्नई हुआ, ये जितने भी INS के वॉरशिप्स अभी लगे हुए हैं रेड सी के ऊपर, यकीन करने के लिए कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में कोई दखलंदाजी ना दे। ये क्या दर्शाता है? ये सब दर्शाता है कि हम लोग सबमरीन भी बना रहे हैं, हम लोग शिप्स भी बना रहे हैं, हम फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर्स भी बना रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं, हम गन्स भी बना रहे हैं, हम टैंक्स भी बना रहे हैं, हम राइफल भी बना रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट भी बना रहे हैं, हेलमेट भी, मतलब चाहे वो इक्विपमेंट, फाइटिंग इक्विपमेंट हो, कम्युनिकेशन का हो, रेडार्स का हो, सब में जो काबिलियत धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं आत्मनिर्भर होने में। मुझे लगता है एक वक्त आएगा वी विल एज इट इज, हम वी वोंट बी वन ऑफ द टॉप इंपोर्टर्स, वी विल बी वन ऑफ द टॉप 3 एक्सपोर्टर्स। वी के चतुर्वेदी सर, मेरा सवाल आपसे है, अभी तक हमने उपलब्धियों के बारे में बात की है, मैंने वैश्विक चुनौतियों की भी बात की है जिस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हम आपसे अब ये समझना चाह रहे हैं कि वो कौन सी बातें हैं रक्षा जगत में अभी भी जिस पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जब हम 2024 की बात करें या हम आगे आने वाले सालों की बात करें तो हमें उन बातों का फ़र्क दिखे। जो वॉरफेयर है ये बड़ा डायनेमिक एक फील्ड है जहाँ पे हर रोज़ कुछ ना कुछ बदलता है। हम लोग सोचते थे शॉर्ट वॉर्स होंगी, लेकिन अभी जब रशिया यूक्रेन का आपने देखा तो एकदम उसमें हमारा जो थिंकिंग है वो बदली है। हम लोग सोचते थे कि टेररिज्म को, जैसे इज़राइल और हमास आज लड़ाई लड़ रहे हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट है, लेकिन कितने लोग इन्वॉल्व हो गए, काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, कोई उसको मदद कर रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी हमारे उसमें आएगी। जो लेसन्स हमको इन हमास, इज़राइल और रशिया यूक्रेन से मिलते हैं, एक तो ये कि स्वावलंबन बहुत बड़ी चीज़ है, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, UAVs जो अभी हम लोग आज के दिन इज़राइल से कुछ लिया है, कुछ USA से अभी रीपर कुछ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका प्रोडक्शन इंडिया में होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये फ्यूचर का है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इन्फ्लुएंस वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर है, ये सब चीज़ें फ्यूचर है। और हमारे जो सशस्त्र सेनाएं हैं भविष्य की जो चुनौतियां हैं उनको मीट करने के लिए सक्षम हैं और वो उस तरह से बदलाव भी कर रहे हैं। जनरल चतुर्वेदी जी ने कहा, उसके अलावा मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी के मामले में स्पेशली प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अगर हम आगे ला रहे हैं तो उनको भी लगना चाहिए कि उनके ऊपर जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, जब कोई भी जो रक्षा सामग्री जो है इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव, जब कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री उस पर इन्वेस्टमेंट करता है तो लगता है कि उसको ऑर्डर्स मिलते रहने चाहिए। नंबर 2 जो स्टार्टअप्स हैं उनको जिस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त 5,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने स्टार्टअप्स के लिए दिए हैं, तो एक बहुत बड़ी एक इनक्रेजमेंट है स्टार्टअप्स के लिए। इस तरह यूनिवर्सिटीज़ जो IITs के हैं, प्रोफेशनल, उनको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है कि यस वो अपना दिमाग लगाएं और किस तरीके से हम लोग इंटरनली अपना R&D के द्वारा कर सकते हैं। DRDO है, DRDO ने अपने पूरे लैब्स खोले हैं कि वो अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, और जो भी चाहता है उनसे उनके पास कुछ है वहाँ से ग्रहण करने के लिए। कॉपरेटाइजेशन, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थे उनको हमने कॉपरेटाइज करके 7 PSUs में उनको कन्वर्ट किया उसको ये यकीन करने के लिए कि जो कुछ भी हम हिंदुस्तान में बनाएं ऐसा होना चाहिए कि यस वाकई ये हिंदुस्तानी है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेटेस्ट इन वॉरफेयर है। जब ये भरोसा सबसे होएगा और वो काबिलियत हमारे में है, और पैसा जो है वो अपना है, उसका जो इम्प्रोवाइजेशन होता है उसमें जो इंडियनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हम लोग करते हैं वो सब कुछ अंदर होता है, चाहे उसका मेंटेनेंस है, चाहे उसका अपग्रेडेशन है, चाहे उसका मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ जब हिंदुस्तान में होगा, हिंदुस्तानी बनाएगा, उससे जो नॉट ओनली डिफेंस इंडस्ट्री, उसका स्पिल ओवर होगा जो जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बाकी फील्ड में। तो मुझे लगता है जो डिफेंस इंडस्ट्री है अगर वो एक दफे से मजबूत ही पकड़ लेगा, और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में जिस प्रकार से हम धीरे धीरे करके कदम बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत वक्त आने जल्दी वक्त आएगा। आपने एक तरफ तकनीक की बात की, एक तरफ स्टार्टअप्स की बात की है, और आपने ये भी कहा है कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, तभी हमें आगे और ज़्यादा फर्क दिखेगा। संजय कुलकर्णी, वी के चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अहम जानकारियाँ आप लोगों के माध्यम से मिली हैं, और हमने भी बहुत सारी ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक जानकारियाँ पहुँचाई है कि जो एंड रिव्यू जो रिपोर्ट है 2023 जो कि रक्षा क्षेत्र को लेकर के डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है, उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो बता रहा है कि भारत, नया भारत नई दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, और आगे इस ओर हमारा भरोसा, हमारा आत्मविश्वास कायम है। आज के लिए सक्षम भारत में इतना ही। आप देखते रहिए संसद TV। नमस्कार।